सफर की शुरुआत होते ही मुझे रास्ते में एक बहुत ही सुंदर डैम दिखा जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैं इस डैम को अपने कैमरा में कैप्चर करने चली गई। एंड आई एम सो ग्लैड मैंने ये डिसीजन लिया। इस डैम को इतने करीब से देखना वाकई में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अलीबाग आए और अलीबाग बीच को ना विजिट करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं फाइनली यहाँ पर आ गई हूँ। बीच पर एकदम तेज़ हवा चल रही है और ये जो अलीबाग का जो बीच है ना, बाकी बीचेस के कंपैरिजन में ना ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, ज़्यादा टूरिस्ट मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा टूरिस्ट आने की वजह से यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा दिख रही हैं मुझे, तो जैसे कि क्वाड बाइकिंग शुरू हो गई है, हॉर्स राइडिंग भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। मुझे ये बीच इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है क्योंकि मेरे ठीक सामने है कोलाबा फोर्ट। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के रेन में ना मेन नेवल स्टेशन हुआ करता था। तो ये जो व्यू आपको मिलता है ना इस बीच के ठीक सामने इस फोर्ट का, एकदम अमेजिंग है। तो अलीबाग सीरीज़ का जो हमारा लास्ट स्टॉप है वो है कनकेश्वर टेम्पल, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। और ये जो मंदिर है ना इस हिल के एकदम चोटी पर है, जहाँ तक पहुँचने के लिए हमको 750 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे। आई नो 750 स्टेप्स बहुत ज़्यादा है, देखते हैं कि ऊपर तक पहुँच पाते हैं या नहीं, या बीच में ही हम अपने हथियार गिरा देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि आप ना जहाँ पे पहुँचने के लिए GPS को बिल्कुल मत फॉलो करना, GPS में मत डालना कनकेश्वर टेम्पल, वो आपको कहीं और ही पहुँचा देगा। थैंकफुली हमने वहाँ के लोकल से पूछा कि कनकेश्वर जाने का रास्ता क्या है, तो उन्होंने हमें बताया कि कनकेश्वर टेम्पल जाने के लिए आपको माप गाँव जाना पड़ेगा। तो कभी भी आपको यहाँ आना होगा ना तो GPS में माप गाँव आप डालिए, तभी आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाएंगे या तो फिर आप गुम हो सकते हैं। ये टेम्पल जो है ऑलमोस्ट 1200 फीट हाइट पर है और यहाँ पर पहुँचने के लिए आई थिंक 2 घंटे तो लग जाएंगे। वैसे कहते हैं कि एक साइड की जो जर्नी है वो 1 घंटे में पूरी हो जाएगी, लेकिन मैं उतनी फिट नहीं हूँ, मुझे लगता है मुझे 2-3 घंटे तो लग जाएंगे। मैं तो ऑलमोस्ट अभी हाँफने लग गई हूँ, अब तक मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है फर्स्ट स्टेप, लेट्स सी क्या होता है। तो चलो चलते हैं कनकेश्वर मंदिर। आई थिंक मुश्किल से 20 स्टेप्स ही मैंने चढ़े होंगे और मेरी हालत अभी से ही डाउन हो गई है, देखते हैं। ओके, तो मैंने मुश्किल से अभी सिर्फ 100 स्टेप्स ही लिए होंगे और हालत एकदम ख़राब है। मतलब ये इतने हाइट पर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है तो थोड़ी मुश्किलें होती है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ना अपने साथ पानी की बॉटल या फिर कुछ मीठा, कुछ चॉकलेट या बिस्किट कुछ साथ में लेके जाए, क्योंकि शुगर लेवल कम हो सकता है। और बीच बीच में ब्रेक्स ले लेके जाए। थैंकफुली ये जो स्टेप्स हैं ये इतने स्टीप नहीं हैं, आराम से आप चढ़ के जा सकते हैं। ब्रेक लेते रहिए साथ में और आराम से इसे क्लाइम कीजिए, कोई जल्दी नहीं है ब्रेक ले लेते हुए। चलो ठीक है, मैं वापस चलती हूँ, ब्रेक ले लिया, थोड़ा पानी पी के चलती हूँ। ओके सी।
ऐसी जगह पे ना हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये क्यूकम्बर लिया। यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे, पानी की बॉटल मिल जाएगी, चिप्स मिल जाएगी। मैंने सोचा क्यूकम्बर खाते हैं, प्यास बहुत लगी थी। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। इस स्पॉट को कहा जाता है देवा चपाय, जिसका मतलब है गॉड्स फूट। कहा जाता है जब यह मंदिर बना था तब भगवान खुद इसे देखने आए थे और इस जगह आकर खड़े हुए थे। जितना मैंने एक पूरे साल में वॉक नहीं किया होगा, उसकी सारी कसर मैंने आज एक दिन में निकाल दी है। मतलब जो फिटनेस फ्रीक्स हैं, जिनको कार्डियो करना बहुत पसंद है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। नॉर्मल आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये। बट हाँ, आप ब्रेक्स ले लेकर जा सकते हैं, बैठ जाइएगा, अच्छी हवा चल रही है, थैंकफुली धूप नहीं है। बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ का वेदर, तो इस मौसम में उतना मुश्किल नहीं होता, आसानी से आप चल के जा सकते हैं, पर उतना आसान नहीं है। तो 2 घंटे की चढ़ाई के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर। ये है कनकेश्वर मंदिर और यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रह्मकुंड, जिसमें पानी भर जाता है मॉनसून में और अभी भी पानी भरा हुआ है। आप जैसे देख रहे हैं कि बाहर फेंस लगाया गया है तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन अभी देखते हैं कि मंदिर खुला है या नहीं, हमको दर्शन करने मिलता है या नहीं, देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मंदिर बंद है, आई थिंक कोविड की वजह से इन्होंने मंदिर बंद रखा है वीकेंड्स पे। आई डोंट नो, वीकडेज पे शायद खुला हो, रियली डोंट नो, लेकिन कोई बात नहीं, हमने बाहर से दर्शन कर लिए और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर आई और मुझे इतने खूबसूरत मंदिर को देखने का मौका मिला। तो अभी हम मंदिर की सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, तो जितना मुश्किल था सीढ़ियाँ चढ़ना, उतना ही आसान है उतरना। चढ़ने के लिए तो कुछ 2 घंटे लग गए थे और मुझे अभी लगता है कि हम 1 घंटे में उतर जाएंगे, लेकिन अगेन यहाँ पे बारिश हुई अचानक से, थोड़ी फिसलन है तो थोड़ा आराम से उतर सकते हैं, पर टायरिंग नहीं है उतना। और इनफैक्ट अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही ब्रीजी सा मौसम है, मज़ा आ रहा है। सुबह हाफ वे थ्रू, मुझे नीचे मेरी गाड़ी दिख रही है, बहुत छोटी सी होके, और ये जो व्यू है
मतलब इतना सुंदर है, आपको दिख ही रहा होगा, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, इतनी हाइट पे, वैसे लग रहा है कि आई एम रियली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये जो जर्नी है ना नीचे उतरने की, कितनी सैटिस्फाइंग है, लाइक रियली एंजॉयिंग इट। मंदिर से निकलने के बाद मुझे बहुत भूख लगी और इसलिए मैं लंच करने आम्रवन रेस्टोरेंट चली गई। तो हम अभी आए हैं आम्रवन रेस्टोरेंट, जहाँ का सी फूड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब आप अलीबाग आए हो और सी फूड ना ट्राई करो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने भी सोचा कि इनका सी फूड ट्राई करते हैं। तो स्टार्टर्स में मैंने मंगाए हैं प्रॉन्स फ्राई, सुरमई फ्राई, मतलब बोलते बोलते मेरे मुँह से पानी आ रहा है, और भूख इतनी ज़्यादा लगी है कि स्टार्टर्स, मेन कोर्स सब कुछ हमने एक साथ मंगा लिया है। तो मेन कोर्स में मैंने मंगाया है चिकन सुक्का और भाकरी, और इन सब के साथ महाराष्ट्रियंस का फेवरेट ड्रिंक सोल कड़ी। चीयर्स। वेरी रिफ्रेशिंग और स्पाइसी है ये, मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, थोड़ा तो मिर्ची का आपको आफ्टर टेस्ट मिलेगा, वेरी नाइस। प्रॉन्स खाती हूँ, अब सुरमई ट्राई करती हूँ। बहुत टाइम के बाद एक अच्छा फिश फ्राई खाया मैंने। बाहर का जो मसाला ना इतना अच्छे से फ्राई किया है, इतना क्रिस्पी है, तो मसाला भी बहुत अच्छा है, चटपटा सा है, फिश बहुत फ्रेश है। तो अभी हम ट्राई करते हैं चिकन सुक्का, मसालेदार लग रहा है दिखने से ही, देखते इसका टेस्ट कैसा है। और इसको मैं खाने वाली हूँ भाकरी के साथ। भाकरी एक्चुअली राइस डोसा होता है, डोसा नहीं बट महाराष्ट्रियन स्टाइल का डोसा, राइस से बनता है, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही है, स्पाइसी, मसालेदार, अच्छा है, नाइस। और इसी के साथ खत्म होता है अलीबाग का हमारा ये वीडियो। आई होप आपको ये अलीबाग वीडियो सीरीज पसंद आया हो। मैंने कोशिश की थी कि दो दिनों में जितना ज़्यादा हो सके मैं ये जगह कवर कर सकूं। आई नो कुछ प्लेसेस मिस किए होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर ज़रूर करना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। और तब तक के लिए घूमो, खाओ, मुस्कुराओ, बाय।